हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है फिर से सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, जो बीत गया वो, अब जो वर्तमान है और जो फ्यूचर है, वो आपका रिलेशनशिप कैसे होगा। अगेन जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। इतने लोगों के लिए रीड करते हैं तो 100% सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकता। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, ओरेकल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, चार्म कास्टिंग सीखना चाहते हैं मेरे साथ, आप अगर एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैंने ऊपर दिया है। दी ओनली वे टू कॉन्टैक्ट मी इज थ्रू व्हाट्सएप। आप लोगों ने इतना अच्छा मुझे सपोर्ट किया है मेरे पास्ट फ्यू वीडियोज़ के लिए। मैं भी खुद से जो है बहुत एफर्ट डाल रही हूँ कि हर दिन एक वीडियो अपलोड करूँ। सो तहे दिल से शुक्रिया फॉर ऑल योर सपोर्ट, ऑल योर कमेंट्स, आई रियली अप्रिशिएट इट। जब मैंने YouTube चैनल जब स्टार्ट किया था टैरो रीडिंग का, तो मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि जिस ढंग से मैं रीडिंग करती हूँ वो बाकी जो इतने अच्छे अमेजिंग टैरो रीडर्स हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। और मुझे ऐसे लगता था कि मे बी आप लोगों को वो जो तरीका है मेरे बात करने का या मेरे कार्ड समझने का, आपको पसंद आएगा या नहीं। लेकिन आप लोगों ने बहुत मुझे प्यार दिया, बहुत प्रोत्साहन दिया। सो थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सिट बैक, रिलैक्स। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनका ध्यान करें एंड लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। थोड़ा सा सिंपल रीडिंग रखेंगे, जितना टैरो के साथ हम कनेक्ट होके कार्ड्स निकालेंगे उतना ही, एंड ऑफ कोर्स उनके मैसेजेस आपके लिए एंजल गाइडेंस और एडवाइस तो मैं ज़रूर एंड में निकालूंगी। आप लोगों के जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनका ध्यान करें। लेट्स कनेक्ट इनटू द एनर्जीज। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके साथ जो है आपका पास्ट में रिलेशनशिप क्या था, फ्रेंडशिप फेथफुल एंड लॉयल ट्रस्टवर्दी, है ना। आप एक ऐसे इंसान के साथ एक रिश्ते में हैं या थे जो मे बी आपके पहले दोस्त थे, आप लोग एक दूसरे एक कनेक्शन था जहाँ पे यू नो मे बी एक फ्रेंडशिप थी और वो फ्रेंडशिप जो है आगे एक लव रिलेशनशिप में बढ़ी। ये इंसान पे आपको 100% भरोसा था, बहुत ट्रस्टवर्दी, बहुत फेथफुल और एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको लगता था कि ये बिल्कुल मेरे फ्रेंड के जैसे हैं। तो पास्ट में आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग होगा। और जब डॉग की एनर्जी आती है ना, तो एक ऐसी एनर्जी आती है कि आपके इंसान ने जो है पास्ट में ये रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट, बहुत एनर्जी आप में डाली होगी, आप में बहुत अटेंशन भी डाला होगा। आपको जैसे ना उन्होंने बिल्कुल ही खुश कर दिया होगा, बिल्कुल आप इनमें मेजमराइज हो गए होंगे कि कोई इतना मेरे साथ कैसे प्यार कर सकता है। अगेन आप दोनों के रिश्ते में बहुत ईजी फ्री फ्लोइंग वाली एनर्जी थी। जब हम किसी के साथ फ्रेंड्स होते हैं ना, तो हम उनको जज नहीं करते, हमेशा उनकी गलतियों को माफ़ करना, वो जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करना, इन्जॉय करना, मज़े करना, एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। तो एक ऐसी एनर्जी थी जहाँ पे ये इंसान आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, लॉयल है, फेथफुल है। मे बी आप लोग ऑफिस में इकट्ठा पढ़ते होंगे, काम आप लोगों का इकट्ठा होगा। ये जो है या तो आपके सीनियर हो सकते हैं या आप दोनों का एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे एक दूसरे के साथ जो आपका रिश्ता है वो एक फ्रेंडशिप, एक कॉमन ग्राउंड से जो है ऊपर आया है। राइट नाउ आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है? बटरफ्लाई है, चेंज, ट्रांजिशन, अनफोल्डिंग करंट फेज टू अ बेटर फेज। ओ एंड स्नेक, ऑल राइट। बिट्रेयल, लाइज, डिसीट एंड जेलेसी, ऑल राइट। राइट नाउ आप लोगों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि ये इंसान ने या तो आपको धोखा दिया है या कुछ छूट सच किया है। आपको शायद अब इन पे इतना भरोसा नहीं हो रहा है। स्नेक और बटरफ्लाई दोनों की एनर्जी है जो है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है, बदलाव की एनर्जी है। अगर जो स्नेक है वो अपने स्किन को, त्वचा को, अगर स्किन को शेड नहीं करेगा तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा। एंड बटरफ्लाई जो है एक छोटे कैटरपिलर से जो है अपने ककून से निकल के ही बटरफ्लाई बनती है। तो राइट नाउ उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आप लोगों के रिश्ते में कुछ
चेंज, कुछ बदलाव, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अंदर से भी आप लोगों के बीच में कुछ चेंज बदलाव हो रहा है, बाहर के सर्कमस्टांसेस, बाहर के जो कंडीशंस हैं, बाहर के लोग, वातावरण, उसके कारण भी जो है कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं, चेंज अनफोल्डिंग। तो आपको अब प्रेजेंट में कुछ ना कुछ ये रिश्ते के बारे में समझ रहा है, कुछ ना कुछ ये इंसान की सच्चाई समझ रही है, कुछ ना कुछ आपके सिचुएशन की सच्चाई समझ रही है, और वो सच्चाई जो है थोड़ा सा आपको तकलीफ दे सकती है। बिकॉज हर वक्त चेंज जब आता है उसके लिए कुछ पीछे छोड़ के कुछ यू हैव टू लीव समथिंग बिहाइंड एंड ग्रो, है ना। तो राइट ना आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी यही है कि देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन इन द रिलेशनशिप, नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ ये इंसान का झूठ सच, इनकी सच्चाई जो है आपको पता लगी है, और उसके कारण जो है अब आप थोड़ा सा एक कश्मकश में है, एक डाउट में है कि कुछ चीज़ों को बदलना चाहिए, कुछ चीज़ें जब चेंज होंगी तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो ही जो है ये रिश्ते में कुछ ग्रोथ होगी, है ना। फॉर सम ऑफ यू ऑल येस देर इज़ एन एनर्जी कि आपको ये इंसान की कुछ सच्चाई पता लगी है जो इन्होंने आपसे छुपाई थी, और उससे जो है आपको थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो सकता है। लेट्स सी फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप क्या होगा। फ्यूचर जो है हम अगले 3 मंथ्स का, 3 to 6 मंथ्स का देखेंगे। और जब चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, नॉर्मली जब हम कुछ चेंज के थ्रू जा रहे हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं, तो हम वी इंटरनलाइज, हम अंदर चले जाते हैं, हम वी मेक अ ककून, है ना। जैसे बटरफ्लाई जब चेंज होती है तो अपने ऊपर एक ककून बनाती है, फिर उससे निकलती है। सो फॉर सम ऑफ यू मे बी आप बहुत क्वाइट हो गए हैं, आप ये रिश्ते में एनर्जी नहीं डाल रहे हैं, आपने और आपके इंसान ने या तो ब्रेक ले लिया है, या जब भी बात होती है तो यही चीज़ों पर बात होती है कि आगे कैसे जाए। सो फॉर सम ऑफ यू राइट नाउ ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में कम्युनिकेशन बहुत कम है। अगर कम्युनिकेशन है तो वो फ्यूचर को लेके ही, कि आप या जस्टिफिकेशन कि आपने ऐसे क्यों किया, या राइट नाउ ये रिश्ते में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऑफकोर्स एनर्जी फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन बहुत कम होगा, या जो भी कम्युनिकेशन होगा ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज द ट्रूथ कैन हर्ट। तो जब आप सच्चाई अपनी बताएंगे, या वो इंसान की सच्चाई जब आपको पता लगेगी, तो थोड़ा सा जो है आपको पेनफुल हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू एंजल मैसेजेस के थ्रू आपको जो है बटरफ्लाइज दिखते होंगे। फॉर सम ऑफ योर स्नेक्स, अगर आपको सच्ची में सांप नहीं दिख रहा है तो यू कुड गेट सांप के बारे में रील्स देखना आपके सामने आना, या सपने देखना सांप के बारे में। एंड फॉर सम ऑफ योर यस डॉग भी आया है, तो आपके पास एक ब्लैक एंड वाइट डॉग हो सकता है, डॉग रिलेटेड कुछ आपका कनेक्शन हो सकता है। रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, मे बी हैज पोटेंशियल अनसर्टेन वेवरिंग एंड विशी वॉशी। जैसे कार्ड जाएंगे हम वैसे ही पढ़ेंगे। रिलेशनशिप का फ्यूचर राइट नाउ मे बी है ना, आपकी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज आई एम रीडिंग फॉर यू, तो यू आर नॉट श्योर कि ये रिश्ते में आगे क्या होगा। लेट मी क्लैरिफाई, मे बी एंड आई हैव फिश, स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन, हैप्पीनेस एंड फ्लर्टेशन। तो 50-50 चांसेस हैं कि ये रिश्ते में जो है एक स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन को आप पहचानोगे, एक दूसरे के साथ रिश्ता फिर से स्टार्ट होगा, एंड एक हारमोनियस अमन शांति वाला रिश्ता आप लोगों का हो सकता है। टैरो में अब हम देखेंगे उनके आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट एक्शंस क्या है। एक्शंस जो हैं हमने बहुत लंबे का नहीं सोचा है, शॉर्ट टर्म का सोचा है, बट नन द लेस राइट नाउ की एनर्जी जो है आपके मन में आपके पार्टनर की यही है कि शायद कि क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ये रिश्ते में कमिटमेंट होगा, ये रिश्ते का फ्यूचर क्या है। आप दोनों जो हैं एक कश्मकश में हैं राइट नाउ। ऑलराइट, टैरो से देखते हैं जिनके बारे में आप दोनों की जो है राइट नाउ, टैरो से फटाक से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जी निकालते हैं। पास्ट प्रेजेंट
फ्यूचर डेविल की एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग कार्मिक कनेक्शन है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, आप लोगों का बहुत स्ट्रांग कार्मिक कनेक्शन है। अगर आप लोग एक ब्रेक में हैं और अगर आप स्पेल वर्क, मैनिफेस्टेशन, पूजा ये सब में बिलीव करते हैं तो वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। लेकिन ओवरऑल राइट नाउ रिलेशनशिप की एनर्जी यही है कि मे बी आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपने जो है चाहा है कि आपके पार्टनर कुछ बदलाव करें, आपने उनको बताया है कुछ ना कुछ बदलाव करो, लेकिन आप दोनों जो है कंटिन्यूसली एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू फॉरगेट ईच अदर। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे यू ऑल आर लिटरली ऑब्सेस्ड बाई ईच अदर। अगेन फॉर सम ऑफ यू ऑल ऐसी एनर्जी है कि आप लोगों का जो फिजिकल कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू ऑल आपको ऐसे लगता होगा कि इज़ इट जस्ट अ लस्ट लस्ट बेस एनर्जी विद यू एंड योर पार्टनर। ऑल राइट, तो पास में जो है एस ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों इकट्ठा बात कर सकते होंगे। यू बोथ, आप दोनों की मुलाकात बहुत सालों के पहले, आप फ्रेंड्स होंगे और फिर बहुत सालों के बाद आप लोगों की मुलाकात हुई होगी इकट्ठा, स्कूल कॉलेज, यू नो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो बच्चे एक स्कूल में जाना, बट एक कॉलेज में आप लोगों का मिलना, बिजनेस के लिए आप दोनों इकट्ठा आए हैं, तो एक ऐसी एनर्जी है। पास्ट ऑफ द रिलेशनशिप, ये इंसान ने आपको बहुत प्रोमिसेस किए हैं, आपको एक स्टेबिलिटी दी, एक सिक्योरिटी दी, एक ऐसा सहारा दिया जो आपको बहुत ज़रूरी था। ये इंसान ने बहुत जो है आपके पीछे पीछे किया, आपको जो है बहुत रिलेशनशिप में एफर्ट एनर्जी डाले जहाँ पे आपको लगता था कि वाव यू नो दिस इज़ रियली ग्रेट। राइट नाउ वी हैव द लवर्स एनर्जी, अगेन अ वेरी स्ट्रांग सोलमेट की कनेक्शन की एनर्जी है। लेकिन जब भी लवर्स की एनर्जी आती है, एंड आप ये देखिए ना, लवर्स भी है एंड डेविल भी है, और आप कार्ड समझिए, यहाँ पे एंजल है और एक कपल है, यहाँ पे डेविल है और एक कपल है। तो आप लोगों का जैसे बोलते हैं ना कि लव हेट रिलेशनशिप राइट नाउ चल रहा है, कि मेरे को दिखेगा तो मैं मार दूंगा या मार दूंगी, लेकिन दिखेगा तो बहुत सारा प्यार भी करना है। तो एक ऐसी वाली एनर्जी है, बहुत ऑफ एंड ऑन, हॉट एंड कोल्ड, एक मिनट लगता है कि डिलीट करो नंबर, ब्लॉक करो नंबर, नहीं चाहिए इंसान, दूसरे टाइम ऑनलाइन जाके देख रहे हो कि यू नो ये इंसान ऑनलाइन है नहीं है, क्या कर रहे हैं। लेकिन जब लवर्स की एनर्जी आती है तो प्रेजेंट में देर इज़ अ टफ डिसीजन, अ टफ चॉइस टू मेक। बहुत स्ट्रांग सोल कनेक्शन है, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इनके लाइफ में लव को लेके एक चॉइस है, इसीलिए मे बी लाइज डिसीट जो हमने देखा था यहाँ पे, बिट्रेयल लाइज डिसीट एंड जेलिसी, है ना। तो ये इंसान या तो किसी और को टाइम एफर्ट एनर्जी दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि किसी और से बात कर रहे हैं या किसी और को चुन रहे हैं, तो डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, और वो थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे कैसे मैं समझा, इट इज़ गोइंग टू बी इधर अनदर वुमन और अ मैन, है ना। तो यहाँ पे पेरेंट्स वेरेंट्स बॉस वो मुझे एनर्जी नहीं दिख रही है, उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे देर इज़ अ टफ डिसीजन, कि ये इंसान जो है आपको टाइम नहीं देके किसी और को टाइम दे रहे हैं। फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करेंगे और इमोशंस को एक बहुत क्रिएटिव ढंग से बताने की भी कैपेसिटी रखेंगे। तो अगर अब तक आपको लग रहा है कि ये इंसान खड़ूस है, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इनके दिल में क्या है, दिमाग में यू नो इनकी हरकतों से मुझे नहीं पता ये सच में मुझे चाहते हैं, मुझे अपने लाइफ में रखना चाहते हैं नहीं, तो ये नियर फ्यूचर में जो है ये इंसान अपने इमोशंस में आएंगे। इमोशंस का जो कप है वो बंद करके रखा हुआ है, लेकिन आपके लिए बहुत सारा लव फील करेंगे। यू नीड टू वेट, बिकॉज मुझे लगता है कि फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप में जो है ये इंसान को एक रियलाइजेशन होगा कि यू आर द वन फॉर देम, और वो किसी ना किसी ढंग से वो आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। आगे मैं सवाल भी पूछूंगी कि आप लोगों का जो है कम्युनिकेशन कैसे होगा या ये इंसान एक्सप्रेस कैसे करेंगे। ऑल राइट, लेट्स सी ये इंसान के जो है राइट नाउ आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। काका मी रीडिंग मध्य दार बंद करा, खूब गरम वाला ये तो उघड़ ले तो परत बंद करा। ये इंसान के जो है आप लोगों के लिए
जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनका जो है आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। एम्प्रेस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, किंग ऑफ वांड्स, है ना। ये इंसान को कहीं ना कहीं एक ऐसा एहसास है कि यू आर जस्ट टू गुड फॉर देम। आप जैसा इंसान इनके लाइफ में कैसे आया? खुद को स्मार्ट समझते हैं, गुड लुकिंग समझते हैं, होशियार समझते हैं, होंगे भी, खुद का बिजनेस हो सकता है, आर्मी ऑफिस, आर्मी नेवी एयरफोर्स में हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, फिटनेस पे फोकस करना आपके इंसान की फितरत हो सकती है, लेकिन आपके लिए क्या फील करते हैं? यू आर द परफेक्ट वुमन और मैन फॉर देम, है ना। आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपको उन्होंने एक ऐसी यू फील लाइक फैमिली फॉर देम, एक ऐसा रिश्ता। जब हम फैमिली की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म नहीं, हम लंबा सोचते हैं ना, तो एक लेगेसी, एक फैमिली, एक अपनापन जो है आपसे, आपके लिए फील करते हैं। और जजमेंट का जब कार्ड आता है तो अवेकनिंग का कार्ड है। आप उनके लाइफ में एक ऐसे टाइम में आए थे जहाँ पे उनको प्यार की बहुत ज़रूरत थी, या बहुत टाइम तक ये इंसान ने उनकी फीलिंग्स आपके लिए ब्लॉक करके रखी थी। और इनके घर में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, इनके लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसा हादसा हुआ होगा फॉर सम ऑफ यू, कि उनको फिर ऐसे रियलाइज हुआ होगा कि नहीं, आप जो है मेरे व्यूअर्स, इनके लिए सब कुछ है। सम ऑफ यू ऑल प्रेगनेंसी, यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आप प्रेगनेंट नहीं होना चाहते तो यू नीड टू बी केयरफुल। फॉर सम ऑफ यू ऑल ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ उनका बच्चा हो और उनकी जो फैमिली है या फैमिली नेम आपके थ्रू बढ़े, बट इनके फीलिंग्स आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव है। फॉर सम ऑफ यू ऑल येस, यू कुड बी डीलिंग विद समवन हु इज ऑलरेडी मैरिड, या आपकी जो है ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ये इंसान की जो है ओवरऑल आपके लिए ऐसी फीलिंग्स हैं कि एक रूटीन चाहते हैं वो आपके साथ, एक कंफर्ट चाहते हैं, एक सिक्योरिटी चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए। जब हम हमारी फैमिली के बारे में सोचते हैं तो हमको पता है कि कुछ भी हो जाए वो कहीं नहीं जाएंगे, राइट। तो एक ऐसी एनर्जी है, एक अपनापन है जो वो आपके साथ फील करते हैं, जो उन्होंने किसी के साथ नहीं फील किया। अगेन फीलिंग्स में जो है, आई हैव गॉट नो कप्स का कार्ड, मैंने ये ऐसे इंसान है, लवर्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है, बट ये इंसान जो है बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत बिजी होते होंगे, पैसा जो भी उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, लेकिन पैसा, जॉब, करियर, फैमिली नेम इनके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर सम ऑफ यू ऑल अगर थर्ड पार्टी हो सकती है तो इनकी फैमिली के कारण भी वो थर्ड पार्टी हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू ऑल अगेन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप लोगों का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बिकॉज आपकी फैमिली और इनकी फैमिली जो है एक दूसरे को जानती है, और एक लव रोमांटिक वाला जो रिलेशनशिप है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ करना मुश्किल हो सकता है एंड उसके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन ये इंसान की अब ऐसी एनर्जी है ना कि जो भी साइंस मुझे यूनिवर्स दे रहा है ये रिलेशनशिप के लिए, वो साइंस को जो है अब मैं एक्सेप्ट करूँगा, अक्नॉलेज करूँगा। अगर अब तक ये इंसान अपने फीलिंग्स को लेके सो रहे थे कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू एक्ट ऑन देम, तो वो एक्शन भी जो है ये इंसान आपकी तरफ लेना चाहता है। तो फीलिंग्स जो है आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। जिस ढंग से आप तैयार होते हैं, बात करते हैं, अपना घर संभालते हैं, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका जो है एक ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, बिजनेस वूमन हो सकते हैं, क्रिएटिविटी आप में बहुत ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें जो है ये इंसान को आप में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ऑल राइट, ये इंसान की जो है आपके लिए इरादे क्या हैं? ऑल राइट, देखो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे अगर ये इंसान को आपको उनके लाइफ में रखना है तो उनको कुछ झूठ, कुछ डिसीट, कुछ मैनिपुलेशन करना है। और ये इंसान अब राइट नाउ एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि आई एम गोइंग टू बी प्रैक्टिकल, आई एम गोइंग टू मेक अ प्लान, अगर मुझे झूठ सच करना है आपको पाने के लिए तो वो मैं करूँगा। तो अब तक अगर ये इंसान
कुछ एक्शन लेने के लिए डर रहे थे, बिकॉज इनको लग रहा था कि अगर मैंने कुछ एक्शन लिया तो वो गलत होगा. तो दिस पर्सन इज समहाउ ऑल्सो कमिंग इन एन एनर्जी दैट दे आर विलिंग टू चीट फॉर यू. दे आर विलिंग टू डू समथिंग रॉन्ग. आपके लिए चीट करने के लिए तैयार हैं, आपके लिए झूठ बोलने के लिए तैयार है. अगर ये इंसान को किसी चीज़ से अपनी अटेंशन निकाल के भी आपको देनी है तो वो देने के लिए तैयार हैं. ऐसी जो है उनकी एनर्जी हो रही है, बिकॉज हमने बटरफ्लाई और स्नेक भी देखा था, है ना. बिकॉज यू आर देयर विश फुलफिलमेंट. एवरीथिंग जो कुछ उनको एक इंसान में चाहिए था एज अ पार्टनर, एज अ लव रिलेशनशिप, वो आप हैं. तो ये इंसान के इरादे क्या हैं अब कि मुझे जो भी झूठ सच करना है वो मैं करूँगा. तो बहुत श्रूड, जैसे बोलते हैं ना कि एकदम प्लान करना, श्रूड एटीट्यूड में आना कि नहीं अब जो है मुझे मेरे लिए सोचना है. एंड फॉर सम ऑफ यू डिवोर्स का पॉसिबिलिटी हो सकती है. आप वेट कर रहे हैं कि ये इंसान डिवोर्स करे, बट ये इंसान आपको बोलेंगे कि हम सेपरेटेड हैं या हम डिवोर्स हमारा हो रहा है, लेकिन उसको वो फैक्ट्स को आप चेक करें. बिकॉज जो भी फैक्ट्स ये इंसान आपको बोलेंगे उसमें थोड़ा झूठ सच की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है. सॉरी फोन आ गया था. आइए देखते हैं कि अगले 3 मंथ्स की एनर्जी चेक करते हैं कि ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके साथ आप लोगों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, आपके लिए फील क्या करेंगे और आपके साथ जो है एक्शंस क्या लेंगे. फिर से 10 of Pentacles, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 of Pentacles, ऑल राइट. ये उनकी फीलिंग्स थी और आपके लिए बर्ताव क्या होगा. 9 of Wands, ऑल राइट. देखो फिर से जो है ये इंसान को एक रियलाइजेशन है ना, उनकी फीलिंग्स में यही है कि ये डेस्टिनी है. आप दोनों को ये रिलेशनशिप में होना बहुत ज़रूरी है, इक्वल गिव एंड टेक. जो अगर ये इंसान रिलेशनशिप में टाइम एफर्ट नहीं डाल रहा था तो ये इंसान आप में वो टाइम एफर्ट एनर्जी डालेंगे, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे. उनकी फैमिली में, उनकी फैमिली लाइफ, उनका वर्क, उनका काम और आप में जो है ये इंसान एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे कि ठीक है प्रॉब्लम ये था, अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है. अब तक जो है आप लोगों को लगता था कि ये इंसान ने आपको प्रायोरिटी नहीं बनाया है. अगर किसी को प्रायोरिटी किया है तो पहले घर, फिर काम, फिर कुछ और, फिर फ्रेंड्स एंड लास्ट जो है आप है. बट अब वो ऐसा नहीं होगा. ये इंसान जो है आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी में है जहां पे ये इंसान बहुत हाउ डू आई से कैलकुलेटेड एफर्ट लेंगे कि प्लान करके जो है अपनी लाइफ को, अपनी दिनचर्या को ऐसे प्लान करेंगे ताकि वो जो है आपको इक्वल टाइम एफर्ट एनर्जी दे. इनकी जो है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं. ऑलराइट, ओवरऑल जो है एस ऑफ कप्स है. तो अगर आप लोगों में एक ब्रेक था या आप लोगों को लग रहा था कि यार ये सच्चा प्यार नहीं है, तो इनका प्यार जो है लिटरली आपके लिए ओवरफ्लो होगा. एक प्यार का ऑफर ये आपको देंगे, इमोशंस की बरसात होगी. आपको लगेगा कि ओह माय गॉड, क्या ये वही इंसान है जो टोटली मेरे साथ इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गया था. तो उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे रिश्ता बहुत इमोशनल कंपैटिबिलिटी, किसी से बात करनी है, मेरे लिए कोई है, वहाँ से ये इंसान बिल्कुल आपको टाइम नहीं दे रहे हैं. टू एन एनर्जी जहाँ पे ये जो है इमोशंस, पीस, अमन, रिकंसिलिएशन सब जो है आपको ऑफर करेंगे. लेकिन देर इज एन एनर्जी जहाँ पे जो है ये इंसान का एक ऐसी एनर्जी है कि थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रही है ना. दिस इज गोइंग टू रेजोनेट फॉर दोज वेयर देयर इज अ वेरी स्ट्रांग अदर पर्सन इन्वॉल्व्ड, है ना. अगर आपको पता है, गारंटी है कि आपके लाइफ में थर्ड पर्सन नहीं है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है. बट उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे देयर इज अ थर्ड पार्टी इन द सिचुएशन. इनकी अगले 3 मंथ्स में एनर्जी क्या है. ये इंसान जो है दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम अ हार्टेक. वो अब अपना दिल तोड़ना नहीं चाहते हैं. तो अगर आप लोग ऑन अ ब्रेक हैं या आपके रिश्ते में बहुत झगड़ा, तू मैं चल रही है, रिफ्लेक्शन है कि हमको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, सोचना है कि हमारा रिश्ता इतना जो अच्छा था ये लेवल पे क्यों पहुंचा है, तो आई थिंक आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हो गया है उनकी गलती कि उन्होंने आपसे ठीक नहीं किया था.
तो अब वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसी एनर्जी में आएंगे जहाँ पे दे आर गोइंग टू बी वेरी स्केर्ड ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर हार्ट एंड योर हार्ट. तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो आपका दिल नहीं तोड़ना चाहेंगे, ना ही वो खुद कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे ताकि आपका दिल तोड़े. पूरी दुनिया जो है उनके खिलाफ हो सकती है, उनकी सिचुएशन, पेरेंट्स, थर्ड पार्टी, वर्क, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको उन पे अटैक कर सकती हैं ये रिलेशनशिप से उनको दूर लेके जाने के लिए. लेकिन अब ये ऐसी एनर्जी में कि मेरे को ना मेरा दिल तोड़ना है, ना मेरे को आपका दिल तोड़ना है, ना मेरे को दुखी होना है, ना मेरे को फिर से एक ब्रेकअप के थ्रू जाना है. एंड दे विल कम इन टू द एनर्जी ऑफ 3 of Cups. 3 of Cups की जब एनर्जी आती है तो आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे. ये वेरी स्ट्रांग थर्ड पार्टी सिचुएशन, लेकिन इमोशनल लेवल पे ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स. अगर ये आपकी रीडिंग है, आपसे रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या चाहिए है ये इंसान से, कब तक आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो. ज़रूर ग्रीन हार्ट जो है कमेंट बॉक्स में छोड़े. जब हम कुछ लिखते हैं पॉजिटिव तो वो मैनिफेस्ट होता है, बिकॉज दैट इज़ द एनर्जीज वी आर पुटिंग इन. तो प्लीज़ डू लीव अ कॉमेंट manifesting something positive about the relationship. या relationship के बारे में कुछ positive ज़रूर लिखें अगर आप वो चीज़ों को manifest करना चाहते हैं. And then overall energy जो मुझे अब अगले 3 महीने की यही दिख रही है कि yes, reconciliation, प्यार का नया offer, but वो third party situation जो है completely ये रिश्ते से नहीं जाएगी. तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस हद तक वो थर्ड पार्टी को अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर सकते हो. ये इंसान आपको पूरी तरह भरोसा दिलाने की कोशिश करेगा कि जो थर्ड पार्टी है, देखो फैमिली का बार बार कार्ड आ रहा था, थर्ड पार्टी एक ऐसी है जहाँ पे उनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जो प्यार है, जो लव है, जो अफेक्शन है, ये इंसान जो है आपको देना चाहते हैं. अगले इनके जो है आपके लिए नेक्स्ट, ये रिलेशनशिप में जो है नेक्स्ट क्या होगा हम जो है देखते हैं. मनी पैराडाइज, चैलेंजेस हैं, फैमिली है, फॉर सम ऑफ यू ऑल देयर इज ट्रैवल. ऑलराइट, इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स फैमिली, ट्रैवल, मनी, पैराडाइज, चैलेंजेस, बहुत मिक्स्ड है अगले 3 महीने, है ना. अगर आप लोग एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, यू ऑल आर नॉट टुगेदर, आप इकट्ठा नहीं रहते हैं, तो आप अलग ट्रैवल कर सकते हैं आपके फैमिली के साथ, आपके पार्टनर अकेले अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं. फॉर सम ऑफ यू ऑल अगले 3 महीने में ट्रैवल बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ वर्क भी हो सकता है. रिलेशनशिप में अब भी थोड़े से चैलेंजेस हैं, लेकिन वो चैलेंजेस को जो है आप, अगर रिलेशनशिप में चैलेंजेस नहीं है तो फैमिली को लेके, ट्रैवल को लेके, पैसे को लेके राइट नाउ कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं जिसके कारण ये रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन पैराडाइज है, जन्नत की भी एनर्जी है. सो आई थिंक जो भी चैलेंजेस हैं वेदर रिलेशनशिप के आपके इर्द गिर्द, वो सब चैलेंजेस को जो हैं आप लोग ओवरकम करने की कोशिश करेंगे. कर्मा है यहाँ पे, है ना, पॉजिटिव रखें अपने कर्मा को, एक्शंस को आप सही रखें, बिकॉज अगर आपने अपने एनर्जीज को, अपने एक्शंस को, अपने बर्ताव को पॉजिटिव रखा तो कर्मा विल ब्लेस यू विद पॉजिटिव थिंग्स. ऑल राइट, एडवाइस देखेंगे और उनके अनसेड मैसेजेस भी देखेंगे नेक्स्ट जो है ये रिलेशनशिप में. व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट फॉर माय व्यूअर्स इन दिस रिलेशनशिप? देखो इमीडिएटली जो है आपके रिलेशनशिप में बहुत मिक्स्ड एनर्जीज है, हैप्पीनेस, ब्लेम, फिर से देखो ट्विन फ्लेम की एनर्जी है यहाँ पे, है ना, चेजर रनर की एनर्जी है. आपने पावर बैक ले ली, आप चुप हो गए, आपने बोला ये रिश्ता नहीं चाहिए, तो ये इंसान फिर से आपकी तरफ भाग के आएंगे. लवर्स की भी एनर्जी आई थी, हैप्पीनेस है यहाँ पे और ब्लेम है यहाँ पे. फॉर सम ऑफ यूर, यूर कुड बी इन्वॉल्व इन अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप या एक टॉक्सिक सिचुएशन. आपके इर्द गिर्द जो है एक टॉक्सिक सिचुएशन है, मे बी यू आर ऑलरेडी मैरिड या आप किसी के साथ हैं जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे और जिनसे आप प्यार करते हैं वो एक अलग इंसान है. फॉर सम ऑफ यूर ऐसे हो सकता है. ब्लेम की एनर्जी है, आपने आई थिंक ये इंसान को उनकी गलतियों का एहसास दिलाया है, या ये इंसान ने जो है आपको बताया कि आपने ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, तो वो एक एनर्जी जो है यहाँ पे मुझे दिख रही है. फॉर सम ऑफ यूर अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और
ये रिलेशनशिप आपको हिडन रखना है, या राइट नाउ आपकी ऐसी एनर्जी है कि अगर बाहर वाले लोगों को पता लग जाएगा तो ये रिलेशनशिप टूट सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, बिकॉज चांसेस हैं फॉर सम ऑफ यू ऑल कि ये ब्लेम गेम जो है कि आप एक रिलेशनशिप में थे, आपने ऐसा किया वैसा किया, वो हो सकता है. बट ओवरऑल एनर्जी ऑल्सो वी हैव हैप्पीनेस, है ना. तो देर इज गोइंग टू बी अ बैलेंस ऑफ सम गुड एंड सम बैड इन दिस रिलेशनशिप इन द नेक्स्ट 3 months. तो ये डेफिनेटली उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे रिलेशनशिप में ऑब्वियसली थोड़े से जो है चैलेंजेस हैं, और वो चैलेंजेस ओवरऑल सिर्फ एक ही मुझे चीज़ समझती है कि जो भी चैलेंजेस हैं आपके पार्टनर, वो चैलेंजेस को ओवरकम करके आपकी तरफ आना चाहते हैं. उनके मैसेजेस जो वो आपको नहीं बता पा रहे हैं लेकिन देना चाहते हैं. अनस्पोकन लव, दे हैव बीन कैरिंग अ टॉर्च फॉर यू ऑल अलोन but unable to confess their love due to their fears of rejection. For some of you all, ये इंसान ने maybe अब तक आपको नहीं बताया वो आपसे कितना प्यार करते हैं, because आपको जो है वो एम्प्रेस एनर्जी में देखते हैं. उनको लगता है कि शायद आप उनका प्यार रिजेक्ट करोगे. अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे और ब्रेकअप हो गया है तो भी ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, लेकिन बताने के लिए जो है ये उपस डर रहे हैं. एंसेस्ट्रल कर्मा, ऑल राइट, दे आर क्लियरिंग नेगेटिव ancestral patterns that were passed down through generations. Don't rush the journey. For some of you all, twin flame भी आया था, ancestral karma भी है. तो for some of you all, आपके partner एक बहुत strong कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, और वहाँ जो कर्मा है वो कर्मा खत्म करके जो है ये इंसान हीलिंग का कार्ड है. ये इंसान जो आपकी तरफ आएंगे, they are at the end of the big healing cycle, coming to peace with their past and bringing back balance in this connection. तो जो भी healing उनको करनी थी, जो भी उनके जख्म थे जो उनको heal करने थे, वो सब जो है उन्होंने किया है. That is why transformation का card आया था, snake भी आया था, butterfly भी आया था, और जो है ये इंसान आपकी तरफ आएंगे. Advice लेते हैं आपके लिए, one of my favorite decks है. अब ये देखेंगे कि ये रिश्ते में खुश रहने के लिए, या जनरली आपको लाइफ में खुश रहने के लिए आपको क्या सरेंडर करना है. ऑल राइट, दिस इज अ वेरी नाइस रीडिंग. ऐसी एनर्जी है कि ठीक है, चीजें जो हैं डिफिकल्ट हैं, लेकिन आपके इंसान की बहुत दृढ़ इच्छा है कि सबको छोड़ छाड़ के जो है ये रिलेशनशिप आपके साथ वो सही करे. Surrender your addictions, whether you're addicted to substance, food, people, sex or overworking, take action to begin and heal the addiction and replace it with healthier alternatives. For some of y'all, you have to surrender your addictions. Addiction kuch bhi ho sakti hai, phone, khana, over exercise karna, over diet karna, log, overwork karna, overthink karna. तो डिवाइन आपको यही कह रहा है कि ये जो आपके एडिक्शन है उसको जो है आपको हेल्दियर ऑप्शंस, हेल्दियर चॉइसेस से रिप्लेस करना है. सरेंडर योर फियर ऑफ इंटिमेसी, यू आर रेडी टू लेट लव इन, कंपैशनेटली आइडेंटिफाई एंड बिगिन टू रिलीज एनी पैटर्न्स दैट स्टॉप यू फ्रॉम ओपनिंग योर हार्ट. फॉर सम ऑफ यू ऑल, ये इंसान आपके दरवाजे पे खड़ा है, खटखटा रहा है कि मेरे को और एक चांस दो, या लेट मी कम इन टू योर लाइफ अगेन, लेकिन आप जो है अब कहीं ना कहीं डर गए हैं. और इंटिमेसी जो है वो इंटिमेसी से आप डरते हैं. इंटिमेसी नॉट नेसेसरीली मीन्स कि फिजिकल इंटिमेसी होनी चाहिए, इमोशनल इंटिमेसी भी होती है. तो आप जो है अब आपके जो पास्ट वूंड्स हैं या आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसके कारण जो है अब आप इतना डर गए कि आप सोच रहे हैं कि अब मैं फिर से ये इंसान के साथ कनेक्ट हूँ या नहीं हूँ, फिर से मैं रिलेशनशिप में पढ़ू या नहीं पढ़ू. तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अपने फियर ऑफ इंटिमेसी को रिलीज करें एंड सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स. इट इज हेल्दी टू सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप्स. प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग योर नीड्स एंड रिमेंबर दैट नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस. ब्यूटिफुल. सेट हेल्दी बाउंड्रीज इन द रिलेशनशिप. दैट इज वाई
एडिक्शन भी आ सकता है ना. बिकॉज एडिक्शन कब होती है, जब हम हमारे हेल्दी बाउंड्रीज को सेट नहीं कर पाते. तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आपके हेल्दी बाउंड्रीज को जो है आपने सेट करना है. एंड अगर आपने जब नो बोला तो वो नो है, और वो चीज़ों को जो है आपको रिस्पेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है. आपकी जो ज़रूरतें हैं ये रिश्ते में, आपकी जो नीड्स हैं ये रिश्ते में, उसको आप एक्सप्रेस करो. अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, आपको कुछ बोलते हैं, तो यू शुड हैव द पावर टू से नो और येस विच इज़ इन योर हाइएस्ट गुड, है ना. दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशन हाई. वॉट यू फोकस ऑन इज़ वॉट यू गेट. एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग.